भाई मार ना दे भाई, बंदा कहाँ गया, उछल गया भाई ऊपर। आजा आएगा, आ गया भाई सुजाकू, आ गया भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस दोबारा से खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड। एंड गाइस आप लोगों को याद होगा गाइस कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे ब्लेजा मोड से लड़ने के लिए। अभी हम लोग जो है आप लोगों को मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं लेवल 45 के सुजाकू साइड फाइट करने के लिए, जो कि एक फायर टाइप पोकेमोन है। बाकी जो गाइस हम लोग फिर जाएंगे आनुबिस या तो फिर ब्लेजा मोड को पकड़ने के लिए। उठा गाइस मैंने जो ऑफ वीडियो जो है फेलेरिस का भी सैडल बना लिया है, और अभी हमारा फेलेरिस जो लेवल 36 का है। तो अभी गाइस जो हम लोग जाने वाले हैं सीधे के सीधे सुजाकू को मारने के लिए। और आई थिंक कहा गया हमारा सुजाकू ये रहा। बाकी जो गाइस मैं आनुबिस और जर्मन टाइट को ही लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये पोकेमोन ऐसे तो मेरे को लग रहा है कि जर्मन टाइट और सुजाकू एक्वाई उसको मार देंगे, तो इसी वजह से मैं जो ज्यादा पोकेमोन लेके नहीं जाने वाला हूँ। बाकी चलो गाइस अभी चलते फटाफट से सुजाकू को मारने के लिए, और बाकी मेरा सब कुछ एकदम रेडी है भाई। ऑलराइट गाइस, तो अभी चलते फटाफट से सुजाकू के एरिया में। और आई थिंक हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, तो यहाँ से ही फटाफट से चलते। वेलकम टू डन शेल्टर भाई, इसमें गर्मी ना लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि फेलेरिस भी भाई फायर टाइप पोकेमोन है। और आई थिंक हम लोग को कहाँ पे जाना है, इस तरफ जाना आई थिंक। ओके तो इस तरफ ही जाना है हम लोगों को, फटाफट से जाते हैं भाई। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई लेवल 45 के सुजाकू के पास। और भाई ये बंदा 4200 की एचपी लेके बैठा है। फ्रॉस्टेडन को भेजू एक बार, क्या फ्रॉस्टेडन अटैक कर पाएगा कि नहीं। जर्मन टाइट मेरे को जहां तक लग रहा है भाई पावरफुल होगा इसके सामने। एक बार फ्रॉस्टेडन को भेज के देखता हूं भाई। ये गया भाई, कहां पे मार रहा है भाई ये बंदा। अबे भाई डैमेज तो बहुत खतरनाक दे रहा है भाई सुजाकू इसके सामने, बट आई थिंक ये काम नहीं आएगा भाई, मेरे को पता है, क्योंकि भाई सुजाकू फायर टाइप पोकेमोन है और वो फायर टाइप पोकेमोन के सामने आइस टाइप पोकेमोन नहीं चलेगा भाई। किसी अभी 120 का डैमेज पड़ा एकदम से भाई, मैंने देखा। थोड़ा सा लेजेंडरी पहले, तो इसके लिए मैं थोड़े दो अल्ट्रा स्पीयर निकाल के रखता हूँ। शांति से क्यों क्यों अटैक कर रहा है भाई, जर्मन टाइट भी कुछ कर नहीं रहा है। ये दिया जर्मन टाइट ने, हाँ जर्मन टाइट दे रहा है भाई 115 का अटैक। एक और दे जर्मन टाइट, बस बराबर है ये मेरी तरफ से। बट भाई ये सुजाकू के पास अच्छी एबिलिटी से, ये जो टॉर्नेडो फेंक रहा है इसके लिए अच्छी एबिलिटी है इसके पास। हमारे सुजाकू के पास ये टॉर्नेडो वाली नहीं है भाई एबिलिटी। जर्मन टाइट की भाई बेचारे की 10% भी हेल्थ नहीं कमी हुई है भाई अभी तक। सुजाकू का फायदा ये है कि हम लोग जब भी जो है मतलब कोई भी ग्राउंड टाइप पोकेमोन्स को मारने जाएंगे, जैसे कि अभी आनुबिस को मारने जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आनुबिस के मारने में हम लोगों को सुजाकू की अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमोन है। इसका एक ही अटैक है जो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है, ये टॉर्नेडो वाला, अगर जो लग गया तो भाई अच्छा अटैक हो जाएगा। भाई सिंगल शॉट राइफल भाई बहुत अच्छी राइफल है भाई, फटाफट से रिलोड भी हो जाती है और शॉट्स भी अच्छे खासे दे रही है। 25-26 का डैमेज दे देता है, अगर हेड पे लगाऊंगा तो पता नहीं कितना डैमेज देगा, बट फिर भी 22 का डैमेज दे रहा है, तो जल्दी जल्दी रिलोड भी हो जाता है। और भाई 700 का डैमेज बचा है सिर्फ। भाई जर्मन टाइड की हेल्थ देखो भाई, अभी तुम लोग देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 10% डैमेज हुआ है भाई जर्मन टाइड को। 118 है, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। 9% चांसेस है, 10% चांसेस है, अभी तो नहीं आएगा इतना तो पता है मेरे को। ये गया, एक बार ट्राई करता हूँ। 14% चांसेस है, अभी भी नहीं आएगा आई थिंक मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बोल वेस्ट करा रहा है भाई जब सुजाकू, खाना पड़ेगा भाई मेरे को, हेल्थ थोड़ी कम हो रही है। फटाफट से भाई फटाफट से खा भाई, बॉस किल कर दिया, मेरे को पता था भाई मारने गया था। डिफीट मेरे को नहीं करना था भाई उसको, भी क्या करे भाई, वापस जाना पड़ेगा भाई बेस पे, वापस आना पड़ेगा भाई मेरे को। मैंने एक तो ध्यान नहीं दिया भाई उसके ऊपर, अभी वापस जाना पड़ेगा भाई मेरे को नेक्स्ट देख करके। थोड़े भाई अल्ट्रा स्पीयर में बना लेता हूँ, 5-6 अगर बना लूंगा तो भी अच्छा है भाई। क्या चाहिए, कार्बन फाइबर। ओके कार्बन फाइबर में क्रिएट करके आता हूँ। ऑलराइट गाइस फटाफट से भाई क्रिएट करते, कितने क्रिएट हो गए, 15 हो गए भाई, बहुत हो गए 15 तो। फटाफट से भाई आनुबिस अल्ट्रा स्पीयर बना, ये तब तक बनाता है तब तक हम लोग क्या करते गाइस। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग वापस से पहुंच चुके भाई सुजाकू के पास। और ये पेटी ये रखी हुई कहाँ पे निकला है, ब्रेड निकला है, सिल्वर की निकला है भाई। बेचारा डर के तो भाग नहीं गया भाई, लास्ट टाइम बेचारे को मार दिया था मैंने, इस बार भाई बिल्कुल भी चांस नहीं लेने वाला हूँ मैं, सीधा ही भाई उसको मारूंगा और पकड़ लूंगा।
आजा आएगा, आ गया भाई सुजाकू, आ गया भाई 45 लेवल का सुजाकू पकड़ लिया हम लोगों ने, पकड़ लिया है। गर्मी तो लग रही थी भाई, बट सुजाकू पकड़ लिया भाई। बट इसका क्या था, घर पे जाके देखना पड़ेगा भाई इसके साथ कौन सी एबिलिटीज थी भाई। अच्छी होनी चाहिए भाई, लेजेंड वाली तो आई थिंक हमारे फ्रॉस्टलिंग के पास ही है, बट भाई थोड़ी अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए भाई। ये कौन से है भाई, ये पहल कौन से, हाँ ये तो आई थिंक रॉबिन क्विल एक्वा, रॉबिन क्विल दिखा है। ये 42 लेवल का और सुजाकू है भाई, सुजाकू बहुत ज्यादा है भाई, यहाँ पे देखो दो दो सुजाकू घूम रहे। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बेस के ऊपर, और अभी मेरे को यही चेक करना है भाई कि जो सुजाकू हम लोगों ने पकड़ा है भाई उसके पास कौन सी एबिलिटीज थी। क्लम्सी भाई, बिल्कुल भी एकदम गंदी सी एबिलिटी भाई मिली इसके साथ तो हम लोगों को भाई। इसका क्या करूंगा मैं, सुजाकू एक बार तो बिल्कुल भी काम में आया नहीं है भाई, बट लेजेंड वाली एबिलिटीज तो होनी चाहिए थी ना, लेजेंड हो या फिर फिरोसियस हो भाई। फिरोसियस बहुत ज्यादा ही तगड़ी एबिलिटी भाई, मेरा एक पोकेमोन है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बीकन ही है ये, देखो बीकन है भाई हमारा, और इसके पास फिरोसियस है भाई 633 का अटैक है भाई, ठीक है 38 लेवल पे, 621 का अटैक है अनुपिस के साथ। इसको तो मैंने लेवल अप किया इसलिए इतना ज्यादा है, बाकी किसी भी पोकेमोन के पास भाई इतने लेवल पे इतना अटैक है ही नहीं। बाकी गाइस अभी हमारे पास कितने तीन या कितने पोकेमोन हुए फायर टाइप हमारे पास, ये वाला सुजाकू है, दूसरा कोई फायर टाइप पोकेमोन है नहीं, ठीक है। एक बार जो है इसमें क्या चांस लेके आओ भाई अनुबिस के साथ फाइट करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का कुछ है ही नहीं, यहाँ से ही जाना पड़ेगा माउंट फ्लोपी। वेलकम टू गाइस ट्वीलाइट ट्यून्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अनुबिस के एरिया में, और आई थिंक अनुबिस यहाँ पे घूम रहा होगा कहीं पे, क्योंकि अनुबिस की मूर्ति ये रही, इसके ऊपर अंडा भी है कोई पर। पता था भाई अनुबिस यहीं पे कहीं पे घूम रहा होगा। एक बार मार के देखो मेरा बॉस वाला सुजाकू कहाँ पे, ये 37 वाला ये रहा, पड़ी है अनुबिस को भाई पड़ी, 4200 की हेल्थ है भाई बंदे की, और भाई सुजाकू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है भाई बंदा, अनुबिस ऐसे ही मार देगा भाई उसको। ये देखो हमें उड़ सकता है तो अनुबिस का वो वाला अटैक नहीं निकलेगा, और भाई कुछ किया भाई उसने, कहाँ गया ये बंदा भाई, ये वाला कहाँ पे गया, यहीं पे कहीं पे अनुबिस दिखा रहा है भाई, बंदा दिख क्यों नहीं रहा है, पर अंदर घुस गया भाई, तेरी मूर्ति के अंदर घुस गया क्या। लो भाई अनुबिस तो भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अनुबिस भाई अपनी मूर्ति के अंदर भाई छुप के भाई वार कर रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। इस तरफ आ भाई, इस तरफ इसको दिख रहा है भाई सुजाकू को, नहीं भाई यहाँ पे कहीं पे बाहर ही दिख रहा है मेरे, फायर का मैंने बताया था भाई फायर टाइप पोकेमोन के अच्छा रहता है भाई, ये फंस गया है भाई बंदा बेचारा भाई, इसको भी मार तो नहीं दूंगा ना, बट भाई मैं क्यों मार रहा हूँ भाई, मैं सुजाकू के साथ ही लड़ने वाला था सिर्फ भाई, मार ना दे भाई, बंदा कहाँ गया, उछल गया भाई ऊपर, ये रहा देखो ये रहा, अभी बाहर आया भाई, अभी बाहर आ गया, ये क्या किया भाई इसने, अबे बच गया भाई मैं, ये क्या कर रहा है, ऐसा तो मैं मार सकता हूँ भाई अनुबिस को, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि भाई इतना ज्यादा ये कुछ कर रहा था भाई, वापस से किक मार रहा था इसकी, 3300 की हेल्थ है। अबे भाई मैं क्यों मार रहा हूँ भाई, मैं भूल ही जाता हूँ भाई, सुजाकू को अकेला लड़ेगा भाई उसके साथ। अबे ये क्या किया, पूरा को पूरा भाई शील्ड तोड़ दिया भाई इसने अनुबिस ने एक ही बारी में, सिर्फ देखना है भाई सुजाकू मेरे को पावरफुल दिख रहा है इसके सामने, तो मैं कुछ करने नहीं वाला भाई, कैसे भग के आ रहा है भाई, वापस गया भाई वापस गया, एक इसको मारने लगी भाई, डिक्टोइ इसको क्यों मार रहा है भाई बेचारे को, ले भाई डिक्टोइ आ जा भाई, बेचारा नहीं तो मर जाएगा। अनुबिस से भाई इतनी फाइट करनी थी ठीक है, मेरे को और फाइट नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को पता है इसको पकड़ लूंगा अभी तक, इसलिए मैं फाइट नहीं करने वाला भाई। नेक्स्ट वीडियो में भाई अनुबिस को रहने देंगे भाई, 3200 की हेल्प कर दी भाई बेचारे, नहीं तो भाई ऐसे आलतू फालतू पोकेमोन थोड़ी है भाई अनुबिस, इसके लिए अच्छे से एपिसोड बनाएंगे भाई अलग से। ऑलराइट गाइस, तो पहले चेक कर लेते भाई हम लोगों को जो अंडे मिले, एक ये डैम्प है, इसमें से चेक करते कौन सा डार्क है, मतलब माऊ कुछ मिला है, माऊ कुछ करके कुछ, ये लार्ज डार्क है, कि इसमें से क्या मिलेगा, कैटरेस, ओके तो कैटरेस मिली भाई। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में हम लोगों ने भाई सुजाकू को पकड़ा है ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में लोग ट्राई करेंगे अनुबिस को पकड़ने के, क्योंकि अनुबिस इसके बाद नेक्स्ट लेवल पोकेमोन है, क्योंकि 45 लेवल के पोकेमोन को हम लोगों ने पकड़ लिया, हाँ मीनास सिंह है अभी ठीक है, और किंग पैका को पकड़ना है, किंग पैका क्रिस्ट को मतलब, बाकी अनुबिस को हम लोग चेक करेंगे भाई अगर नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करेंगे हम लोग पकड़ने के लिए, अगर मीनास सिंह पकड़ में आ गया तो मीनास सिंह को पकड़ेंगे। बट गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।